दोस्तों नमस्कार, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हमारे गैराज पर आई ये TVS XL 100, जिसका पिकअप बिल्कुल डाउन पड़ गया है दोस्तों। तो आज हम इसका क्लच शू और क्लच कटोरे की कंडीशन दिखाएंगे और आज हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आइए चलते हैं हम क्लच कटोरे की ओर। तो दोस्तों फाइनली हमने क्लच को ओपन कर रखा हूँ और इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आज आप लोग को दिखाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसका है एक क्लच शू भी दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप लोग देख सकते हो 0% इसमें माल बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा तो कट गया है दोस्तों इसका कटोरा। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये कटोरा बहुत ज़्यादा कट गया है। तो आज इसमें हम भाई साहब जो बोलेंगे अभी उसमें सामान डालेंगे। कस्टमर से मैं बात कर लेता हूँ अपने, देखते हैं कस्टमर क्या बोलते हैं, क्या सामान डालना है क्या नहीं सामान डालना है। क्योंकि 1100 के लगभग ये असेंबली है और 600 के लगभग ये कटोरा है। तो जैसे भाई का बजट बनेगा वैसे हम काम करेंगे। तो आइए मैं कस्टमर से बात कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को इसका क्लच फिटिंग दिखाएंगे, कैसे क्लच फिटिंग किया जाता है, पिकअप कैसे बढ़ाया जाता है। तो गाइस फाइनली भाई साहब से बात करने के बाद भाई साहब ने बोला कि अभी हमारा बजट कम है तो इसका जो ज़्यादा ज़रूरी है आप उसी चीज़ को लगा दीजिए। तो हमारे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी थी इसका क्लच कटोरा है, हमारे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा क्लच कटोरा कट गया है दोस्तों। तो आज हमने क्लच कटोरा नया लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने फाइनली क्लच कटोरा को ला लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो इसकी MRP 628 रुपया है, पार्ट नंबर ए है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, XL 100 बाइक का क्लच कटोरा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, पार्ट नंबर यही है इसका। तो 628 रुपये इसकी MRP है दोस्तों। तो आइए हम आज क्लच कटोरा आपको फिट करके दिखाते हैं, क्लच फिटिंग कैसे किया जाता है XL 100 का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा क्लच ओपन रखा है, क्लच पल्ला यहाँ पर है, पूरा क्लच ओपन है। तो दोस्तों ये छोटा सा बूस है, प्राइमरी गियर है अपना दोस्तों, प्राइमरी गियर के बाद दोस्तों ये बूस लगेगा। आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का एक बूस है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बूस लगेगा कुछ इस प्रकार से, उसके बाद लगेगा दोस्तों अपना एक क्लच कटोरा जो मैंने अभी नया लेकर आया हूँ। आप लोग देख सकते हो अपना क्लच कटोरा नया है, हम आप लोग को दिखाते हैं क्लच कटोरा। बूस लग जाने के बाद दोस्तों ये अपना नया कटोरा कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हो नए कटोरे की कंडीशन कुछ इस प्रकार से है और पुराने कटोरे की कंडीशन कुछ इस प्रकार से। बहुत ज़्यादा कट गया दोस्तों, इसी वजह से गाड़ी पिकअप नहीं बना रही थी, गाड़ी रेस भी नहीं ले रही थी। तो सबसे पहले दोस्तों लगेगा बूस, बूस लगने के बाद अपना लगेगा कटोरा, कटोरा कुछ इस प्रकार से लगेगा, बिल्कुल आसानी से कोई ठोंक पीट से नहीं। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कटोरा बिल्कुल आसानी से बैठ चुका है। अब उसके बाद दोस्तों लगेगा एक कुछ इस प्रकार की एक वाइसर, आप लोग देख सकते हो ये अपना वाइसर है। तो कुछ इस प्रकार की एक वाइसर लगेगी दोस्तों, वाइसर लग जाने के बाद यहाँ पर लगेगा अपना क्लच शू। तो क्लच शू दोस्तों वही मैं लगा दे रहा हूँ पुराना, अभी चल जाएगा, थोड़ा बहुत कंडीशन है चलने के लायक, अपना ये कटोरा पड़ जा रहा है तो बढ़िया पिकअप आ जाएगा। तो अभी हम इसको वाइसर लगाने के बाद ये लगेगा अपना क्लच शू। तो क्लच शू कुछ इस प्रकार से लगेगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आसानी से बैठ गया, बिल्कुल ठोंक पीट नहीं करना है और सारा चीज़ पूलर के मदद से खोलना और बांधना है। तो उसके बाद लगेगा दोस्तों अपना एक नट, ये वाइसर लगेगा, फिर इसमें लगेगा 22 नंबर का ये नट, आप लोग देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से 22 नंबर का ये नट है। तो दोस्तों इसकी चूड़ी हमेशा ध्यान रखना, इसकी चूड़ी जो होती है उल्टी होती है, इसकी चूड़ी इधर को खोलेंगे तो इधर खुलेगा, इधर नचाएंगे तो टाइट होगा। तो चूड़ी इसकी उल्टी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इसको मैं खोल रहा हूँ तो टाइट हो रहा है। तो दोस्तों जब भी आप खोलें हमेशा ध्यान रखें कि इसका क्लच का जो है चूड़ी उल्टी होती है, अपना क्रैंक वाला जो चूड़ी इसकी उल्टी होती है। तो आइए मैं नट को टाइट कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो दोस्तों अपना 22 नंबर गोटी है, 22 नंबर गोटी की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। तो आइए गोटी हैंडल की मदद से और कूलर की मदद से पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अपना 19 नंबर नट टाइट हो जाने के बाद इस तरह की एक प्लेट है, ये प्लेट लगेगी, इसमें 8 mm के 3 बोल्ट लगेंगे, इसकी चूड़ी सीधा है दोस्तों। अपना 19 नंबर का नट टाइट हो जाने के बाद दोस्तों अपना ये 3 बोल्ट 8 mm के जो हैं दोस्तों, मैं इसको फाइनली फुल टाइट कर लेता हूँ 8 नंबर गोटी हैंडल की मदद से। तो कुछ इस प्रकार से 8 नंबर गोटी हैंडल की मदद से हम इसको टाइट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो।
तो पैकिंग लग गई फाइनली अपना दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैंने पैकिंग लगा दिया हूँ। पैकिंग लगाने के बाद अब इसके लगेगा क्लच पल्ला, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से क्लच पल्ला है। कभी इसके पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो अपना 8 mm का नट है, किसी भाई ने लूज रख दिया था, इसके चलते ये पल्ला यहाँ पर कट गया था। तो मैंने यहाँ पर माल धरा कर इसको फिनिशिंग करवा के बराबर करवाया, तो यहाँ से आयल लीकेज कर रहा था, मैंने यहाँ पर माल रखा कर इसको खराद मशीन पर फिनिशिंग दिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हो सारा चीज़ अपना क्लच बांध के ओके हो गया। मैं इसका पल्ला बांध के आप लोग को गाड़ी स्टार्ट करके इसका पिकअप मैं चेक करवाता हूँ। तो फाइनली पल्ला अपना लग चुका है, आप लोग देखते हो तो पल्ला लग गया। अब इसमें 8 mm के सारे बोल्ट लगेंगे, तो कुछ इस प्रकार के इसके बोल्ट हैं, आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार के इसके बोल्ट हैं। सारे बोल्ट को मैं टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें इंजन ऑयल डालता हूँ, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके आपका पिकअप चेक करवाता हूँ दोस्तों। तो मैं सारे बोल्ट को टाइट कर लेता हूँ फाइनली। तो दोस्तों बाइक अपनी स्टार्ट हो चुकी है, फाइनली पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब इसका। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।